morning students, I am Smriti, your DBS teacher. Today I am going to explain worksheet of chapter 12, changing times. Okay, let's see worksheet 1. Question number 1, fill in the blanks. आपको यहाँ पे blanks को fill करने हैं. First question is a temporary house. एक आपको temporary house बताना है, that this is tent. Here we will write tent. Okay. Next, people live in dash in snowy regions. People snowy बर्फीले जगह में कहाँ रहते हैं? People live in igloo in snowy regions. Next question, dash works with cement and bricks. तो मैशन, मैसन वर्क्स विथ सीमेंट एंड ब्रिक्स. मैसन जो होते हैं वो सीमेंट और ब्रिक्स से वर्क करते हैं. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ होम फाउंड इन आसाम. आसाम में किस तरह के हाउस होते हैं? हियर वी विल राइट स्टिल्ट हाउस. आसाम में स्टिल्ट हाउस होते हैं. नेक्स्ट, डेरा गाजी खान इज द प्लेस इन पाकिस्तान. डेरा गाजी खान जो है वो पाकिस्तान में है. नेक्स्ट, आवर कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान इन डैश. हमारा कंट्री दो भागों में कब डिवाइड हुआ? तो इन 1947. हियर वी विल राइट 1947. नेक्स्ट, चेतन दास फैमिली गॉट ए प्लॉट इन. चेतन दास का फैमिली कहाँ, किस विलेज में उन्हें ज़मीन मिला? सोना विलेज. नेक्स्ट, सोना विलेज इज इन द स्टेट ऑफ हरियाणा. सोना विलेज जो है वो हरियाणा स्टेट में आता है. ओके, अनदर, चेतन दास शो मेनी बिग हाई राइज बिल्डिंग. हियर वी विल राइट बिल्डिंग ऑन हिज वर्क फ्रॉम सोना टू दिल्ली. चेतन दास ने बहुत सारे बिग हाई बिल्डिंग देखे थे जब वो सोना से दिल्ली, ऑन हिज वर्क फ्रॉम सोना टू दिल्ली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग. यहाँ पे आपको नेम बताने हैं. ए पर्सन हु रिपेयर टैप्स एंड पाइप्स. वो पर्सन जो कि टैप्स और पाइप को रिपेयर करता है उसे क्या कहते हैं? प्लम्बर. हियर वी विल राइट प्लम्बर. ओके, नेक्स्ट, ए पर्सन हु फिट्स इलेक्ट्रिक वायर एंड पाइप. वो पर्सन जो कि इलेक्ट्रिक वायर फिट करते हैं और पाइप फिट करते हैं वो इलेक्ट्रिशियन कहलाते हैं. इलेक्ट्रिशियन. ओके, नेक्स्ट, ए पर्सन हु मेक्स थिंग्स आउट ऑफ वुड. वो पर्सन जो कि वुड से फर्नीचर बनाते हैं उन्हें कारपेंटर कहते हैं. ए पर्सन हु पेंट्स वॉल डोर्स एक्सेट्रा. वो पर्सन जो कि पेंट करते हैं वॉल और डोर और भी और कुछ भी पेंट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पेंटर. ए पर्सन हु लेस ब्रिक्स टाइल्स एक्सेट्रा. वो पर्सन जो कि ले ब्रिक्स और टाइल्स करते हैं उन्हें कहते हैं मैशन. MASON मैशन. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. Read the text on page 99 in NCERT textbook and answer the following. आपको NCERT के 99 पेज को रीड आउट करने हैं, पढ़ने हैं और दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, द पीपल हु यूज्ड टॉयलेट डिड नॉट क्लीन देम. डिस्कस. पीपल जो कि टॉयलेट यूज करते थे और वो साफ नहीं करते थे, इसके बारे में आपको डिस्कस करने हैं. आंसर, द पीपल हु यूज्ड द toilet did not clean them because they thought
that they because they thought that that was a dirty job. पहले टॉयलेट्स जो थे पीपल साफ नहीं करते थे क्योंकि वे सोचते थे कि वह काम गंदा है. हेंस पीपल फ्रॉम बस्ती यूज टू कम टू क्लीन द टॉयलेट्स एंड टेक अवे द वेस्ट. और बस्ती से कुछ लोग आते थे और उसे क्लीन करते थे, टॉयलेट्स को क्लीन करते थे और उसके वेस्ट को लेके जाते थे. ओके नेक्स्ट. इज देयर ए टॉयलेट इन योर हाउस, हु क्लीन इट. क्या आपके घर में टॉयलेट है, उसे साफ कौन करता है. आंसर यस देयर आर टॉयलेट्स एंड माई हाउस वी क्लीन देम. हम लोग उसे क्लीन करते हैं. ओके हमारे फैमिली मेम्बर क्लीन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. रीड द टेक्स्ट ऑन पेज 101 इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड आंसर द फॉलोइंग. आपको एनसीईआरटी के 101 पेज को पढ़ने और दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मटेरियल हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग योर हाउस. आपका घर बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज किया गया है. आंसर ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड, कंक्रीट, आयरन रॉड हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग माय हाउस. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द मटेरियल फ्रॉम विच योर फ्रेंड्स हाउस इज मेड. आपको पता करने है कि आपके फ्रेंड का घर किस मटेरियल से बना है. इज देयर एनी डिफरेंस, राइट अबाउट इट. क्या आपके घर में और उसके घर में डिफरेंस है, उसके बारे में आपको लिखना है. आंसर द हाउस ऑफ माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो मेड. द हाउस ऑफ माई फ्रेंड of my friend are also made with cement, bricks, concrete, iron rod. Okay, or is there any difference? No, हमारे इसके घर में कोई different नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू थिंक चेतन दास ग्रैंडचिल्ड्रन विल लिव इन. चेतन दास के पोते पोती किस घर में रहना पसंद करेंगे. आंसर दे विल लिव इन द स्काई स्क्रैपर. वे स्काई स्क्रैपर में रहेंगे. ओके नेक्स्ट, वेयर वुड यू लाइक टू लिव व्हेन यू ग्रो अप. आप जब बड़े होंगे तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे. व्हाट काइंड ऑफ हाउस वुड यू लाइक, और आप किस तरह के घर में रहना पसंद करेंगे. आंसर आई वुड like to live in a metropolitan city. Okay, मैं जब बड़ी होंगी तो मेट्रो सिटी में रहना पसंद करूँगी. And I would like to live in पक्का हाउस like Bangalore, स्काई स्क्रैपर. ओके एंड पक्का हाउस. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैड रिटन अबाउट द थिंग्स डैट योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस वॉज मेड ऑफ. आपको लिखने हैं कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स का हाउस किस मटेरियल से बना है. हैज सम ऑफ दोज मटेरियल बीन यूज्ड इन योर हाउस. क्या कुछ
मटेरियल का यूज आपके घर में किया गया उसके नेम लिखने हैं. आंसर नो दोज मटेरियल्स हैज नॉट बीन यूज्ड इन माय हाउस एक्सेप्ट द वुडन डोर्स एंड विंडो. ग्रैंड पेरेंट्स का जो घर जिस मटेरियल से बना उस मटेरियल से हमारा घर नहीं बना है, केवल वुडन ड्रो और वुडन की विंडो ही यूज किया गया है, नहीं तो बाकी सब ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस से डिफरेंस है. क्योंकि पहले के घर जो होते थे वो मड बैम्बू स्ट्रॉ का यूज करके घर बनते थे, अब जो घर है वो कंक्रीट ब्रिक्स आयरन रॉड्स का यूज़ किया जाता है. ओके, नेक्स्ट पीपल आर गिवन नेम अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू. पीपल का नाम वर्क के अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है. फॉर एग्जांपल ए पर्सन हु वर्क्स विद वुड इज कॉल्ड कारपेंटर. वो पर्सन जो कि वुड का काम करते हैं उन्हें कारपेंटर कहते हैं. तो इन योर प्लेस व्हाट डू यू कॉल ए पर्सन हु वर्क्स एट वुड. तो आपके प्लेस में जो पर्सन वुड का काम करते हैं उन्हें किस नाम से बुलाते हैं. आंसर ही इज नॉन एज ए बडई. उन्हें बडई भी कहते हैं या तो कारपेंटर. ओके, नेक्स्ट वर्कशीट टू. क्वेश्चन नंबर वन. नाउ लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द टेबल. आपको ये पिक्चर देखने हैं और दिए गए टेबल को फिल करने हैं. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल हियर. इस पिक्चर में यहाँ कुछ पीपल है जो कि वर्क करे, वो किस तरह का वर्क करे आपको लिखना है. आंसर सम पीपल आर मिक्सिंग सैंड एंड सीमेंट. कुछ पीपल है जो कि सैंड और सीमेंट को मिक्स कर रहे हैं. सम आर कैरिंग द मिक्सचर टू अनदर पर्सन. डैट पर्सन इज प्लेसिंग ब्रिक्स विद द हेल्प ऑफ द मिक्सचर. ये पर्सन इस मिक्सचर के हेल्प से ईंट को जोड़ रहा है. ओके, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिशियन है जो कि फिटिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग कर रहे हैं. प्लम्बर जो कि पाइप फिट कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट व्हाट टूल्स आर शोन इन द पिक्चर. पिक्चर में किस टूल का को दिखाया गया. राइट देम इन द गिवन टेबल. आपको इस दिए गए टेबल में फिल करना है. फर्स्ट मिसिंग द सीमेंट ऑफ मिक्सिंग ऑफ सीमेंट एंड सैंड के लिए यूज किया गया है हैमर एंड स्प्रेड टूल्स. हैमर एंड स्पेड. और व्हाट इज द पर्सन कॉल मैशन. ओके, दे आर कॉल्ड मैशन. नेक्स्ट फिटिंग ऑफ पाइप कटर एंड पाइप्स एंड दे आर कॉल्ड प्लम्बर. ने प्लम्बर कहते हैं. नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल फिटिंग टूल्स वायर एंड स्क्रू ड्राइव एंड दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रिशियन. ओके, लेट्स सी वर्कशीट थ्री. क्वेश्चन नंबर वन. विथ योर टीचर और समवन फ्रॉम योर होम गो टू प्लेस वेयर ए बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड. टॉक टू द पीपल वर्किंग देयर एंड फाइंड आउट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आपको एक जहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है वहाँ पे आपको जाने हैं और कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं.
फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बीइंग बिल्ड देयर, वहाँ क्या बन रहा है? आंसर ए बिल्डिंग इज बीइंग बिल्ड देयर, वहाँ एक बिल्डिंग बन रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग देयर, वहाँ कितने पीपल काम कर रहे हैं? आंसर देयर आर 20 पीपल आर वर्किंग देयर, देयर आर 20 पीपल, देयर आर 20 पीपल, ओके, वहाँ 20 पीपल वर्क कर रहे हैं. नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर दे डूइंग, वो किस प्रकार के वर्क कर रहे हैं? आंसर सम पीपल आर मिक्सिंग सैंड एंड सीमेंट, सम कैरिंग, सम आर कैरिंग द मिक्सचर टू अनदर पर्सन. ओके, एंड दैट पर्सन इज प्लेसिंग ब्रिक्स विद द हेल्प ऑफ द मिक्सचर, और वो पीपल जो है वो मिक्सचर से ईंट को, ब्रिक्स को जोड़ रहा है. ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी मेन एंड वुमेन आर वर्किंग देयर, वहाँ कितने मैन वुमेन काम कर रहे हैं? आंसर देयर आर 14 मेन एंड 6 वुमेन, देयर आर 40 मेन एंड 6 वुमेन. ओके, नेक्स्ट, आर चिल्ड्रेन वर्किंग देयर, क्या वहाँ बच्चे भी काम कर रहे हैं? व्हाट आर दे डूइंग, वे क्या कर रहे हैं? आंसर नो, चिल्ड्रेन आर नॉट वर्किंग, वहाँ चिल्ड्रेन काम नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट, हाउ मच मनी डू दिस पीपल गेट पेड डेली, उन इन पीपल को कितने पैसे दिए जाते हैं? आस्क फ्रॉम एनी 3 डिफरेंट पीपल, आपको 3 डिफरेंट पीपल से पूछने हैं. आंसर कारपेंटर, कारपेंटर को डेली रुपीस 500 पेड किए जाते हैं, मैसन रुपीस 500 एंड हेल्पर रुपीस 350. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू दिस पीपल लिव, ये पीपल कहाँ रहते हैं? आंसर दे लिव इन टेंट्स near the building place, building के नज़दीक वे टेंट लगा के रहते हैं. Next, what are the material being used for making the building, building बनाने के लिए किस material का use किया जा रहा है? Answer, wood, cement, bricks, sand, iron rod, small stone, etc. Okay. Next, try and guess how many trucks of bricks and bags cement will be used for making the building. आपको guess करना है कि building बनाने के लिए कितने bricks और कितने सीमेंट की ज़रूरत होगी. आंसर 50 बैग्स ऑफ सीमेंट एंड 3 ट्रक ऑफ ब्रिक ऑफ ब्रिक्स. ओके, 50 बैग सीमेंट की और 3 ट्रक ब्रिक्स की ज़रूरत होगी. नेक्स्ट, हाउ डू द मटेरियल रच टू बिल्डिंग साइट, बिल्डिंग साइट पे मटेरियल कैसे पहुँचती है? बाई ट्रक, हैंड क्राफ्ट, एनी अदर व्हीकल्स, लिस्ट टाइम आपको बताने हैं.
answer. All materials which the building site by truck and tractor building site पे सामान जो है वो ट्रक या ट्रैक्टर से आते हैं एक्सेट्रा. ओके वर्कशीट 4 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड आउट द प्राइस ऑफ. आपको यहाँ पे कुछ थिंग दिए गए हैं उसकी आपको प्राइस बताने हैं. वन बैग ऑफ सीमेंट, वन बैग सीमेंट का प्राइस कितना होता है? ₹350. वन ब्रिक्स का ₹10. वन ट्रक ऑफ सैंड ₹10,000. ओके नेक्स्ट फाइंड एंड आउट एंड राइट पता करने और लिखने हैं. टॉक टू एनी वन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी अदर एल्डर पर्सन फाइंड आउट व्हेन सी और ही वाज 8-9 ईयर्स ओल्ड. आपको किसी ग्रैंड पेरेंट अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या तो किसी अदर एल्डरली पीपल से पता करने हैं कि जब वो 8 साल या 9 साल की थी तो वो फर्स्ट वेयर डिड सी और ही लिव नेम डैट प्लेस वो कहाँ रहती थी या रहते थे. आंसर ही लिव्ड इन ए विलेज वो गांव में रहते थे. नेक्स्ट फ्रॉम व्हाट मटेरियल वाज हर और हिज हाउस में उनके घर में कौन से मटेरियल का यूज किया गया था, किस मटेरियल से उनका घर बना था. आंसर हिज हाउस वाज मेड ऑफ बैम्बू ओड स्ट्रॉ एंड मड. उनका घर बम्बू ओड स्ट्रॉ और मड से बना हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन डिड दे हैव ए टॉयलेट इन देयर हाउस. क्या उनके घर में टॉयलेट था? इफ नो वेयर वॉज इट. यदि नहीं तो वो कहाँ या कहाँ था. आंसर यस दे हैड टॉयलेट इन देयर हाउस. उनके घर में टॉयलेट था. ओके नेक्स्ट इन विच पार्ट ऑफ द हाउस वॉज फूड कुक. उनके घर में कहाँ खाना बन रहा था? आंसर देयर फूड वॉज कुक्ड इन द बरंडा विच वॉज सेपरेट बाई ए वॉल. उनका खाना बरंडा में बनता था. नेक्स्ट ए लॉट ऑफ मड वॉज यूज वेन चेतन दास हाउस वॉज मेड. वाई बहुत सारे मड्स का यूज किया गया था चेतन दास के घर बनाने में. क्यों? आंसर बिकॉज ए थिक लेयर ऑफ मड प्रोटेक्ट्स द हाउस फ्रॉम कोल्ड एंड हीट. थिक लेयर मड का जो होने के कारण हाउस को धूप से और ठंड से प्रोटेक्ट करता है मिट्टी. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ओवर द 60 ईयर्स डिफरेंट मटेरियल वर यूज्ड एज डिफरेंट टाइम्स ऑफ इन चेतन दास हाउस. 60 ईयर में चेतन दास के घर में बहुत सारे मटेरियल का यूज किया गया था. लिस्ट इज इन द करेक्ट ऑर्डर.
आपको करेक्ट ऑर्डर में फिल करने हैं। ओके, फर्स्ट टाइम उनकी घर बनी हुई थी तो यूज हुआ था मड, बैम्बू, स्ट्रॉ, रोप्स। ओके, फिर उन्हें चेंज करके उन्होंने घर में वुड, आयरन रॉड, बैम्बू का यूज किए थे। इसके नेक्स्ट में उन्होंने सीमेंट, सैंड, ब्रिक्स, आयरन रॉड ओके का यूज किए। और जब उन्होंने और अच्छी तरह से अपने घर को डेवलप किया तो उसमें उन्होंने सीमेंट, मार्बल्स, टाइल्स, प्लास्टिक का यूज़ किए। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।